से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां उमेश कुशवाहा पर जेडीयू एमएलसी ने आरोप लगाया है, नीतीश कुमार को कर रहे हैं कमजोर। रामेश्वर महतो ने कहा उमेश कुशवाहा की वजह से कमजोर हो रही है जनता दल यूनाइटेड। उपेंद्र कुशवाहा की विदाई का कारण भी उमेश कुशवाहा है। कुशवाहा समाज की बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज है एमएलसी। सीएम ने हाल ही में बुलाई थी कुशवाहा समाज की बैठक, तो बिहार में सीएम की तरफ से कुशवाहा समाज की बैठक में सभी नेताओं को बुलाया गया, लेकिन अपने ही एमएलसी रामेश्वर महतो को न्योता नहीं मिला, जिसके बाद जेडीयू एमएलसी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर निशाना साधा है। रामेश्वर महतो ने कहा कि उनकी वजह से जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रही है और ऐसे ही लोग नीतीश कुमार को भी कमजोर करते हैं। इस दौरान जेडीयू एमएलसी ने साफ शब्दों में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की विदाई का कारण भी उमेश कुशवाहा ही है, इन्होंने जानबूझकर नीतीश कुमार को मेरा नाम नहीं दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, उमेश कुशवाहा पर जेडीयू एमएलसी ने आरोप लगाए हैं कि अब जेडीयू को कमजोर करने का उमेश कुशवाहा काम कर रहे हैं। आपस में ही जेडीयू नेता इस तरह से अगर बर्ताव करेंगे, भिड़ेंगे, तो आखिर आगे विपक्षी एकजुटता की मुहिम तो अभी बहुत दूर है। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें आज पटना में देखने को मिली है, क्योंकि इससे कुछ दिनों पहले विपक्ष की बैठक से पहले मुख्यमंत्री आवास पर कुशवाहा समाज की बैठक होती है, जहां पर कुशवाहा समाज के सांसद विधायक जो है उन्हें नीतीश कुमार बुलाते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जो है वो रामेश्वर महतो को नहीं बुलाते हैं। कहीं ना कहीं जब अनबन जो है वो जरूर देखने को मिल रही है, जब रामेश्वर महतो को नहीं बुलाया गया तब जाकर उनकी नाराजगी सामने आई है। साफ वो कह रहे हैं कि रामेश्वर महतो का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश कुशवाहा है वो पार्टी को डुबा रहे हैं, उनकी वजह से पार्टी जो है वो पीछे जा रही है, और कहीं ना कहीं यही कारण था जब उपेंद्र कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ा था, नीतीश कुमार से जो दूरी बनी थी वो भी जो कारण है वो उमेश कुशवाहा है। जब तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं तो ना तो वो उनसे मुलाकात करते हैं, ना वो किसी से मिलने देते हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात की बात हो तो ना वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलाते हैं और ना पार्टी की दायित्व को निभा रहे हैं, केवल पॉकेट के नेताओं को लेकर वो घूमते रहते हैं, जिस वजह से पार्टी जो है कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। साफ उनका कहना है कि कुशवाहा समाज को पीछे कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कुशवाहा समाज को आगे कर सम्राट चौधरी को अपना नेता बना चुकी है बिहार में, तो दूसरी तरफ जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद समाज अपने ही समाज के नेता को पीछे करने में लगे हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए अपने ही समाज के नेताओं को पीछे करने की कवायद जो है वो की जा रही है, लेकिन ऐसे में बैठक में ना बुलाना और बैठक में ना बुलाने से नाराजगी जाहिर करना, आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है? क्योंकि अगर बैठक हो रही है वो भी जनता दल यूनाइटेड की, तो बहुत जरूरी है कि एक एक नेता और मंत्री इसमें शामिल हो। बिल्कुल पूजा, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो है वो बगावती सुर जो है रामेश्वर महतो के देखने को मिले हैं। पहले अशोक चौधरी को लेकर था जब उन्होंने अपनी बातें रखी थी, हालांकि अब देखिए जब अपने ही समाज के नेता को नहीं बुलाया गया और खुद नहीं उनको आमंत्रण मिला, उस वजह से वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष को खड़ी कोटि सुना दी। साफ कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, वो हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ये ना तो पार्टी के हित में काम करते हैं और ना पार्टी के नेताओं को कर पा रहे हैं, एकजुट कर पा रहे हैं। जब मैं खुद मिलने गया था जब उपचुनाव हो रहे थे बिहार में, तब भी इनके सुर बगावती थे और आज भी बगावती हैं। देखिए पूजा, इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ चुके, कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे, एनडीए गठबंधन की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार को कुशवाहा समाज को एक करना था, तो कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष ही अब अरंगा बन रहे हैं, ऐसा रामेश्वर महतो का कहना है। साफ कहना है कि तमाम वो कुशवाहा समाज के नेता जो है वो नीतीश कुमार से दूर जा रहे हैं, हालांकि आज भी हम नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी को डुबाने की काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।